बाबू हम स्प्लिटिंग ऑफ एयर एंड एडवांटेजेस ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ एयर को समझाएंगे, उसके पहले आपको जानना बहुत जरूरी है वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। लेकिन उसके पहले दो चीज लिखा, ये कंफ्यूजन है बच्चों को, उसको दूर कर देना चाहते हैं हम। 1957 के सीएमआर में सर्वेयर का और इंजीनियर का मिनिमम एज दिया हुआ था, लेकिन 2017 का जब रेगुलेशन आया तो उस रेगुलेशन में सीएमआर 2017 में मिनिमम एज ऑफ सर्वेयर एंड मिनिमम एज ऑफ इंजीनियर ड्रॉप्ड। देखिए यही लिखा में, मिनिमम एज ऑफ इंजीनियर एंड सर्वेयर ड्रॉप्ड इन सीएमआर 2017। तो बार बार बच्चा लोग पूछता सर्वेयर का कितना होगा सर, अरे पुराना वाला काहे पढ़ के रख रहा है। अब हये ने 2017 में आपका बता दो, वो मेरे टाइम पे था 23 इयर्स एज, ठीक है। लेकिन अभी भी एक एज का पैरामीटर सीएमआर में मौजूद है 2017 में, वो क्या है, मिनिमम एज ऑफ मैनेजर इज 23 इयर्स एज पर रेगुलेशन नंबर 27 ऑफ सीएमआर 2017। ये आपको याद रखना है कि मैनेजर का अभी भी मिनिमम एज दिया हुआ 23 इयर्स, ठीक है। लेकिन सर्वेयर और इंजीनियर का एज वाला जो क्लॉज था उसको रेगुलेशन से सीएमआर 2017 वाले रेगुलेशन में नहीं दिया हुआ है, तो अब उससे कंफ्यूजन दूर हो गया। जिन बच्चों ने असेसनल डिसेसनल वेंटिलेशन देखा होगा मेरा, उसमें हम बताए थे कि देखो बाबू ये मेन इंटेक है, ये मेन रिटर्न है, ये डिस्ट्रिक्ट का रिटर्न है, ये डिस्ट्रिक्ट का इंटेक है, बताए थे। तो वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट जो वर्ड है, इस वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट को ही वेंटिलेटिंग डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं, इसी को स्प्लिट बोलते हैं, इसी को पैनल बोलते हैं, इसी को डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं, ठीक है। चीज एक ही है, वर्ड कहीं कहीं अलग अलग इस्तेमाल होता है, लेकिन सबका मतलब एक ही समझना। वैसे ही हम एक और चीज आपको बता दें, लॉज ऑफ माइनर फ्रिक्शन या एटकिंसन इक्वेशन या स्क्वायर लॉ ऑफ वेंटिलेशन, दीज आर द सेम थिंग, एक ही बात है बच्चा, अलग अलग नहीं है। एटकिंसन ने इस इक्वेशन को दिया था इसलिए इसको हम एटकिंसन इक्वेशन बोलते, बट दिस इक्वेशन गवर्न द रेजिस्टेंस ऑफ माइन एयर, माइन में कितना फ्लो होगा एयर का, उस बात को बताने के लिए प्रेशर रेजिस्टेंस और क्वांटिटी के इक्वेशन को हम बोलते हैं एटकिंसन इक्वेशंस, या आप उसको लॉज ऑफ माइन एयर फ्रिक्शन बोलिए या स्क्वायर लॉ ऑफ वेंटिलेशन बोलिए, एक ही बात है, ठीक है। तो हम स्प्लिटिंग ऑफ एयर को बताएंगे तो आपको जरूरी होगा कि वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट क्या होता है। वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट के डेफिनेशन में तीन बात है, कितना बात है, तीन बात है, ठीक है। उसमें क्या बताया है, वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट के डेफिनेशन में क्या बताया है, वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट मीन्स सच पार्ट ऑफ माइंड बिलो ग्राउंड, मतलब माइंड का वो भाग जिसमें तीन बात है। नंबर वन, हैज एन इंडिपेंडेंट इनटेक एयरवे कमेंसिंग फ्रॉम मेन इनटेक, एक बात बोलता, ऐसा बिलो ग्राउंड माइंड का भाग जिसका क्या है, इंडिपेंडेंट इनटेक एयरवे है, और जो वो इंडिपेंडेंट इनटेक एयरवे डिस्ट्रिक्ट का जो इनटेक एयरवे वो कहां से चालू होता है, मेन इनटेक से चालू हो रहा है, कहां से चालू हो रहा है, मेन इनटेक से चालू हो रहा है, ठीक है। इसीलिए हम असेसनल डिसेसनल में मेन इनटेक, डिस्ट्रिक्ट का इनटेक, डिस्ट्रिक्ट रिटर्न और मेन रिटर्न बताए थे, समझा इसीलिए, ताकि ये चीजें समझ आए। दूसरा क्या बोलता, दूसरा बोलता है एन इंडिपेंडेंट रिटर्न ईयर वे टर्मिनेटिंग एट मेन रिटर्न ईयर वे, कि क्या बोल रहा है कि वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट के डेफिनेशन का पहला पार्ट हुआ कि उसका इंडिपेंडेंट इनटेक एयर वे होगा जो कि मेन इनटेक से चालू होता है, कमेंसिंग मतलब चालू होना, स्टार्ट होना, और उसका एक क्या होगा, एक इंडिपेंडेंट स्वतंत्र इंडिपेंडेंट उसका रिटर्न ईयर वे भी होगा, मतलब डिस्ट्रिक्ट का रिटर्न ईयर वे जो कि कहां जाके खत्म होगा, कहां जाके मिल जाएगा, कहने का मतलब मेन रिटर्न ईयर वे में, ठीक है। तीसरा पार्ट, एंड इन केस ऑफ माइन और पॉट विच इज वेंटिलेटेड बाय नेचुरल मीन्स, मतलब नेचुरल वेंटिलेशन हो रहा है किसी माइन में या उसके किसी भाग में, मतलब पार्ट ऑफ माइन मतलब डिस्ट्रिक्ट वेंटिलेशन, डिस्ट्रिक्ट किसी पूरे माइन का या तो डिस्ट्रिक्ट का वेंटिलेशन काय के थ्रू हो रहा है,
बाय नेचुरल मीन्स, मतलब नेचुरल वेंटिलेशन से, तब उस केस में यदि पूरा माइंड के लिए है तो होल माइंड, और पार्ट को हम वेंटिलेटिंग डिस्ट्रिक्ट बोलेंगे। यही तो लिखा है यहां पे, देखिए हमने वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट में सच पार्ट ऑफ ए माइंड बिलो ग्राउंड एज हैज एन इंडिपेंडेंट इंटेक एयर वे कमेंसिंग फ्रॉम मेन इंटेक एंड एन इंडिपेंडेंट रिटर्न एयर वे टर्मिनेटिंग एट मेन रिटर्न एयर वे एंड इन केस ऑफ ए माइंड आर पार्ट विच इज वेंटिलेटेड बाय नेचुरल मीन्स द होल माइंड आर पार्ट। ओके, हम नेचुरल वेंटिलेशन भी बताएंगे, मोटिव कॉलम भी बताएंगे, समय आने दीजिए, धीरे धीरे बता रहे 10-11 महीना में 682 वीडियोस अपलोड किया, बाकी भी कर दूंगा, मेरा जिम्मेदारी है। ठीक है, ये वाला सब हो गया। ये रिस्क, रिस्क को कई बार बहुत जगह बताए हैं, रिस्क का डेफिनेशन सीएमआर के डेफिनेशन में भी दिया है। रिस्क को क्या बताए थे बेटा, लाइकलीहुड इनटू कॉन्सिक्वेंसेस, ये दो ही वर्ड याद रखें, लाइकलीहुड इनटू कॉन्सिक्वेंसेस, और लाइकलीहुड को क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी इनटू एक्सपोजर। ठीक है, और कॉन्सिक्वेंसेस तो इनटू में था ही, तो क्या हो गया पीसी, देखिए यहां लिखा है प्रोबेबिलिटी इनटू एक्सपोजर इनटू कॉन्सिक्वेंसेस, मतलब पीईसी शॉर्ट में प्रोबेबिलिटी इनटू एक्सपोजर इनटू कॉन्सिक्वेंसेस। एक्चुअल रिस्क का डेफिनेशन क्या है, लाइकलीहुड इनटू कॉन्सिक्वेंसेस, तो ये किन दो चीज का कॉम्बिनेशन हुआ, रिस्क, लाइकलीहुड और कॉन्सिक्वेंसेस का। तो रिस्क का क्या डेफिनेशन बोलते हैं, रिस्क मीन्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ लाइकलीहुड ऑफ ए स्पेसिफिक अनवांटेड इवेंट एंड इट्स पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस। लाइकलीहुड क्या है, यदि कोई अनवांटेड इवेंट है, अनवांटेड इवेंट मतलब जो हम नहीं चाहते है, ऐसी घटना, अवांछित घटना के होने की संभावना, और वो यदि घट गई, घटना घट गई, तो उससे जो दुष्प्रभाव होंगे उसके कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, रिस्क। रिस्क मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ लाइकलीहुड ऑफ ए स्पेसिफिक अनवांटेड इवेंट एंड इट्स पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस, मीन्स रिस्क मीन्स लाइकलीहुड इनटू कॉन्सिक्वेंसेस। लाइकलीहुड को फिर क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी इनटू एक्सपोजर, और कॉन्सिक्वेंसेस था ही तो प्रोबेबिलिटी इनटू एक्सपोजर इनटू कॉन्सिक्वेंसेस। सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान एसएमपी वाला में 5-6 वो वीडियो है, बहुत सारा चीज कैसे कैसे पीईसी को कैलकुलेट करते हैं वो सब भी कैलकुलेशन बताए, एग्जाम में आते रहता है, उसको भी देखिएगा। अब यहां पे बात आया था कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस किसको बोलते हैं, कोई घटना होने की संभावना है उसको रिस्क बोल रहे, और उसके दुष्प्रभाव, कॉन्सिक्वेंस मतलब दुष्प्रभाव, किसी को इंजुरी लग गया, चाहे वो रिपोर्टेबल हो, माइनर हो, फेटल हो, ठीक है, या ये तो बॉडीली इंजुरी वाला, या उसके चलते किसी के हेल्थ में डिटेरियोशन हो गया, तो भी वो क्या है, कॉन्सिक्वेंसेस है, हेल्थ डिटेरियोरेट हो गया, मुझे नॉइज के चलते एनआईएचएल हो गया, एनआईएचएल मतलब नॉइज इंड्यूस हियरिंग लॉस हो गया, स्किन डिजीज हो गया, लंबिगो हो गया, लंबिगो समझते, वाइब्रेशन के कारण जो है बार बार झटका, ऐसे ऐसे झटका लेने से बॉडी में एक बीमारी हो जाता है, उसको लंबिगो बोलते हैं, वो हो गया, वो क्या है, दैट इज द इलनेस, इलनेस भी इसी में शामिल है रिस्क में। रिस्क फाइनेंशियल भी होता है, लेकिन हम यहां फाइनेंशियल की बात नहीं कर रहे, फाइनेंशियल रिस्क होता है, ये यहां पे एक्सीडेंट से संबंधित चीज है, इसलिए हम सिर्फ वहीं तक सीमित है। ठीक है, तो बाकी वीडियो में फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी यू अगेन।